अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फार्मास्यूटिक का चैप्टर नंबर है 10, फार्मास्यूटिक के चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज देखेंगे आज हम। तो पहली एमसीक्यूज है 281, द सब्सटेंस दैट डिपॉजिट एट द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन, बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर है ए, एडजॉर्बेट। एमसीक्यूज नंबर है 282, सरफेस ऑन विच एडजॉर्प्शन अक्कर इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर है बी, एडजॉर्बेंट। एमसीक्यूज नंबर है 283, पेनिट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन टू अनदर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस ऑल। तो इसका राइट आंसर है बी, एब्जॉर्प्शन। ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीएटी बाई एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस ऑल। तो इसका राइट आंसर है ए, एडजॉर्प्शन। एमसीक्यू नंबर है 285, द कंडेंसेशन आर एडिशन ऑफ गैस, वेपर, लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड आर ए सॉलिड इज कॉल्ड सरफेस स्टेशन, एडजॉर्प्शन, इग्निशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका राइट आंसर है बी, एडजॉर्प्शन। एमसीक्यू नंबर है 286, रनिंग ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, थेरापीटिक एडजॉर्प्शन, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है बी, केमिकल एडजॉर्प्शन। एमसीक्यू नंबर है 287, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर द एडजॉर्प्शन इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज, नन। तो इसका राइट आंसर है बी, डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होने से एडजॉर्प्शन जो होती है डिक्रीज हो जाती है। एमसीक्यू नंबर है 288, पिगमेंट आर ऑब्टेन्ड बाई यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, कैल्सीनेशन, डिकॉन्टेशन, लीफोलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है डी, लीफोलाइजेशन। एमसीक्यू नंबर है 299, डैश आर सब्सटेंस आर हीटेड इन कैल्सीनेशन, कैल्सीनेशन प्रोसेस के अंदर कौन से सब्सटेंस हीट किए जाते हैं, ऑर्गेनिक, कार्बोनेटेड, इनऑर्गेनिक ऑल। तो इसका सही जवाब है इनऑर्गेनिक। हाँ, एमसीक्यूज नंबर है 290, द फिक्स्ड कंपोनेंट्स आर आल्सो नोन एज वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ऑर्गेनिक, एसिडिक। तो इसका राइट आंसर है ए, वोलेटाइल। एमसीक्यूज नंबर है 291, इन कैल्सीनेशन डैश आर कन्वर्टेड इन ऑक्सीडेज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोनेट्स, बाई कार्बोनेट्स, नॉन। तो इसका राइट आंसर है बी, कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इन ऑक्सीडेज। एमसीक्यूज नंबर है 252, 292, द सेपरेशन ऑफ लाइटर एंड हैवियर पोर्शन ऑफ सोल्यूशन इज डन बाई डेलिक्यूसेंस, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑल। तो इसका राइट आंसर है बी, सेंट्रीफ्यूगेशन। एमसीक्यू नंबर है 293, आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका राइट आंसर है डी। एमसीक्यू नंबर है 294, द सैम्पल वॉल्यूम यूज्ड इन माइक्रो सेंट्रीफ्यूगेशन इज 0.5 to 2 ml। तो एमसीक्यू नंबर 294 का सही जवाब है सी। एमसीक्यू नंबर है 295, आरपीएम फॉर माइक्रो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज, इसका राइट आंसर है सी, 12,000 to 13,000। एमसीक्यू नंबर है 296, द सैम्पल वॉल्यूम यूज्ड इन हाई सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन इज ml to L। इसका सही जवाब है ए। एमसीक्यू नंबर है 297, आरपीएम फॉर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट कितनी होती है, 30,000 रेवोल्यूशन पर मिनट होती है। एमसीक्यू नंबर है 298, आरपीएम फॉर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए आरपीएम कितनी होती है, 70,000 जो होती है आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट होती है। एमसीक्यू नंबर है 299, स्किमड मिल्क इज डैश मिल्क फुल ऑफ फैट, हाईली फैटी, फ्री ऑफ फैटी, फ्री ऑफ फैट, नन। तो इसका राइट आंसर है सी, फ्री ऑफ फैट। स्किमड मिल्क इज ए फ्री ऑफ फैट मिल्क। एमसीक्यू नंबर है 200, एमसीक्यूज नंबर जो है 300 है, वो है टू सेपरेट द प्लाज्मा एंड सीरम फ्रॉम ब्लड वी यूज डैश टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल होती है इसके लिए। एमसीक्यू नंबर है 301, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन सर्कल बिहेव्स इफ इट एक्सपीरियंस आउटवर्ड फोर्स देन इट देन फोर दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज
कोहेसिव एडिसिव सेंट्रीफ्यूगल नन, तो इसका राइट आंसर है सी सेंट्रीफ्यूगल। एमसीक्यू नंबर 302, नेचुरल आर या आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन।